में आप सभी का स्वागत है। पूजा मिश्रा के साथ आप देख रहे अच्छे न्यूज है। बढ़ते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने कहा किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए इस महाअभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। इस महीने के अंतर में शुरू होने जा रहे संसद स्तर में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने राज्य के गृह मंत्री के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने गृह मंत्री आराधना ज्ञानेंद्र पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को हैक करने के आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र पागल आदमी है और उन्हें अस्पताल भेजा जाना चाहिए। लखनऊ में पहली बार आयोजित किए जा रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें वार्षिक सम्मेलन में उद्घाटन आज केंद्र गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम को लखनऊ पहुंचेंगे और रविवार तक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कठुआ में बड़ी रैली की। इस रैली को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद उन्हें डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गढ़चिरौली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नक्सल गतिविधियां सिर्फ पूर्वी महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों में स्थित ही नहीं बल्कि प्रदेश के बड़े शहरों में भी अर्बन नक्सलवाद देखे जा रहे हैं। तो ये थी आज की पांच बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।